कि जो पूर्व में आपकी धर्म पत्नी थी, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो स्वर्गीय हो गई है, तो वो जो है उनकी जो मौत हुई है वो स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है? मेरी दिवंगत पत्नी के बारे में वो कहेंगे तो ऐसी ही बात एक बार गुलशन लाल आजमानी जी ने भी कहा था। मामला कोर्ट में गया और उनको सजा हो गई उसमें। इसलिए इस जांच को निष्पक्ष होने के लिए आपको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। अभी कुछ दिनों से झारखंड में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। पहले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का वीडियो वायरल होता है तो दूसरी ओर भाजपा के विधायक सीपी सिंह को भी रात में वीडियो कॉल होता है। वहीं पहले रांची विधायक सीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातों को रखते हैं तो दूसरे दिन मंत्री बन्ना गुप्ता भी अपने बातों को रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मंत्री जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरयू राय पर हमला बोला, वहीं इसके तुरंत बाद सरयू राय ने भी मंत्री जी को करारा जवाब दिया है। मंत्री जी आरोप गंभीरता से लगाएं, लिखित रूप में भी लगा दें, वीडियो की क्लिप लेकर उस पर सिग्नेचर भी कर दें, तब मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मेरी दिवंगत पत्नी के बारे में वो कहेंगे तो ऐसी ही बात एक बार गुलशन लाल आजमानी जी ने भी कहा था। मामला कोर्ट में गया और उनको सजा हो गई उसमें, मैंने छोड़ दिया। लोगों ने कहा छोड़िए, अब कितना ले जाएगा। अब ये अगर ये उठाना चाहते हैं इस मामले को, तो जरा जिम्मेदारी के साथ उठाएं, मैं फिर वही करूंगा। दूसरी बात कि वो एक सवाल उठा रहे हैं कि मैं पूजा करता हूँ रामार्चा पूजा, तो कौन महिला मेरे बाईं तरफ बैठती है। उनको पिक्चर देखेंगे तो मेरे परिवार की सभी महिलाएं बैठती हैं, मेरी भतीजियाँ बैठती हैं, मेरी बहुएँ बैठती हैं, मैं जिस परिवार के साथ रांची में रहता हूँ उसके लोग बैठते हैं। अब इसका कोई इलाज नहीं है कि जिस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव हो कि वह किसी नारी और पुरुष के संबंध को देह के संबंध से ऊपर जाकर नहीं सोच सकता है, तो उसके मन में मनोरोग ही रोगी है या उसके मन में विकार है। वो चाहते हैं कि इस संबंध को लेकर मैं DNA टेस्ट करा लूँ, तो मैं तो तैयार हूँ। मैं ही नहीं तैयार हूँ, जिसको बता रहे हैं कि और लोगों को करना चाहिए, सबके सबसे तैयार हैं। कल यहाँ के सिविल सर्जन को मेरे पास भेज दें, रांची के सिविल सर्जन को मेरे वहाँ के निवास पर भेज दें, सबका DNA हो जाएगा। मैं कोई कांग्रेस का ND तिवारी जैसा नेता थोड़ी हूँ। वो DNA टेस्ट करा लें और कल भेजें, नहीं तो उनके लिए अब कुछ भी कहना बेमतलब का है। जो सट स्वभाव के लोग होते हैं उनसे आप आग्रह नहीं कर सकते हैं, ना उनको सुझाव दे सकते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि ऐसे लोगों को सुझाव देने के बदले दो पैसा दे दीजिए, वो बेहतर है। वहीं इस पर भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी मंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने आज अपनी सफाई में कहा कि FIR के 3 दिनों के बाद भी पुलिस उनका मोबाइल जब्त नहीं कर रही है। हम भी तो यही कह रहे हैं, माननीय है कि आपके मंत्री पद पर रहते कौन ऐसी हिम्मत करेगा, इसलिए इस्तीफा दीजिए और जांच का सामना कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई लोगों पर व्यक्तिगत और निजी आरोप लगाए जो मुझे लगता है स्तरहीन था, लेकिन उन्होंने वही बातें कही जो हम बहुत 3 दिनों से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मोबाइल पुलिस 3 दिनों से जब्त नहीं कर रही, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, फॉरेंसिक जांच करनी चाहिए और FIR दर्ज किए हुए 3 दिन हो गए। माननीय मंत्री जी, हम भी तो यही कह रहे हैं कि किसी पुलिस अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी मंत्री का मोबाइल जब्त करके निष्पक्ष जांच करे, इसलिए इस जांच को निष्पक्ष होने के लिए आपको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और जांच का इंतजार करना चाहिए। जांच रिपोर्ट में सब कुछ पाक साफ आया तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन आज जो आप इतना अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुरा रहे थे तो यही पंक्तियाँ याद आती हैं, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छिपा रहे हो। तो मंत्री बन्ना गुप्ता जी, आप इस्तीफा दीजिए, जांच को फेस कीजिए और फिर जांच का जो परिणाम आएगा उसके अनुसार सरकार निर्णय ले। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।